सो गुड आफ्टरनून ऑल। आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक कंपोनेंट ऑफ VCR सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। उसमें जो चार कंपोनेंट होते हैं उसमें से चौथा कंपोनेंट जो है वो एवोपरेटर या वाष्पित्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं हमारी एज यूजल पिक्चर, इसमें क्या बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें जो कंडेंसर के जस्ट अपोजिट है वो एवोपरेटर है। ये आपका कंडेंसर है, इसके जस्ट अपोजिट जो है वो एवोपरेटर है। यानी कि फिजिकली दिखने में दोनों सेम ही है, एक चीज यहाँ पिक्चर को देख के क्लियर होती है। इसमें जो आ रहा है वो एक्सपांशन डिवाइस से आ रहा है लो प्रेशर वेपर, और जो निकल रहा है वो है लो प्रेशर वेपर स्टेज, मतलब कहना चाहिए कि गैसियस स्टेज में। इसमें लिक्विड पोर्शन ज्यादा है, इसमें वेपर पोर्शन ज्यादा है, क्योंकि इसने यहाँ की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। इस पिक्चर से ही क्लियर होता है, जैसा हमने कंडेंसर में पढ़ा था, ये ऑलमोस्ट टाइप्स भी है, उसी टाइप्स के आपको मिलेंगे कंडेंसर में। एयर कूल्ड है, वाटर कूल्ड है, या हीट एक्सचेंजर। तो बेसिकली देखें तो ये दोनों आपस में एक जैसे दिख रहे हैं, इसका मतलब व्हाट इज एवोपरेटर। यदि हम बात करें तो एक चीज क्लियर होगी कि बोथ आर हीट एक्सचेंजर, ये हीट एक्सचेंजर करते हैं। कंडेंसर में हीट एक्सचेंज क्या होती है, रेफरेंट से सराउंडिंग को, और रेफरेंट क्या हो जाता है, कंडेंस। जबकि ये जो यहाँ सराउंडिंग है, ये जो सिस्टम है, इसके अंदर से रेफरेंट हीट एब्जॉर्ब करके और क्या हो जाता है, एवोपरेट। बेसिक डिफरेंस लाइज हियर। कंस्ट्रक्शन वाइज इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, हम आगे देखेंगे। इसमें मैंने आपको ये यूट्यूब वीडियो पहले भी हम देख चुके हैं, कंडेंसर के साथ ही एवोपरेटर भी चैप्टर था उसी में था, और PDF के नोट्स भी हैं। आज की क्लास में हम डेफिनेशन की बात करें तो जैसा हमने कंडेंसर में पढ़ा था कि इट इज अ हीट एक्सचेंजर, सो इट इज आल्सो अ हीट एक्सचेंजर। इट इज हीट इज, इस केस में पर्टिकुलरली डिफरेंस कहाँ होता है कि इसमें जो हीट एक्सट्रैक्ट की जाती है रेफरेंट के द्वारा, जबकि कंडेंसर में हीट रिजेक्ट की जाती थी रेफरेंट के द्वारा। और कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है, इवोपरेटर या जो रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट है वहां से एवोपरेटर से रेफरेंट हीट को लेता है और खुद क्या हो जाता है, एवोपरेट। इसलिए इसका नाम क्या है, एवोपरेटर। इसका फंक्शन क्या है, एवोपरेट करना किसको, लो प्रेशर लिक्विड निम्न दाब द्रव को, जो कि कहाँ से आ रहा है, एक्सपेंशन डिवाइस से आ रहा है। इसको किस में कन्वर्ट करना, एवोपरेट करना लो प्रेशर सुपर हीटेड वेपर में निम्न दाब अधिताप वाष्प में, जो कि कंप्रेसर की ओर जा रहा है। इस तरीके से ये इसका फंक्शन है। जैसा मैंने बताया इसके वर्गीकरण की बात करें तो हमने वैसे ही पढ़ा था कि मेथड ऑफ सर्कुलेशन, कंडेंसर को भी ऐसे किया था कि नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन, इसमें ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। इसका भी एग्जांपल बताता हूँ कि जो इवोपरेटर हमारा घरों के रेफ्रिजरेटर में होता है वो होता है नेचुरल कन्वेक्शन। कॉयल के ऊपर एयर जो है वो नेचुरली डेंसिटी डिफरेंस कारण ऊपर की ओर उठती है और फिर नीचे की ओर जाती है, हैवी हो जाती है। फोर्स कन्वेक्शन का एग्जाम्पल इसमें इवोपरेटर की कॉयल का वो है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में इतनी बड़ा आपका एरिया है, वहां पर कॉयल रहेगी और उसके ऊपर फिर हम फैन से एयर को थ्रू करते हैं, तो ये फोर्स्ड कन्वेक्शन कहलाएगा। इसके बाद रेफ्रिजरेशन किस तरीके से फीड किया जाता है, ड्राई एक्सपेंशन यानी पूरा पूरा सूखा है, यानी कि वेपर स्टेज में, फ्लडेड यानी पूरा का पूरा लिक्विड है, और फ्लडेड के ऊपर भी आता है लिक्विड ओवर फीड, मतलब बहुत ज्यादा लिक्विड उसमें डाला जा रहा है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, बेयर ट्यूब, आप फ्रिज में जो ट्यूब्स देखते हैं वो आपको केवल ट्यूब दिखती है, दीज आर कॉल्ड द बेयर ट्यूब। जबकि उसके ऊपर यदि प्लेट लगा दी जाए तो प्लेट सरफेस कहलाती है, या फिन्स वाली होती है जो कोल्ड स्टोरेज में यूज की जाती है, फिन टाइप की। लिक्विड चिलिंग एवोपरेटर्स, एवोपरेटर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस भी यूज किए जाते हैं, जैसे डबल पाइप है जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंडेंसर में, सेलेंट कॉइल है, सेलेंट ट्यूब है, तो ये टाइप्स अपन पढ़ चुके हैं, बस फंक्शन इनका डिफर है। एक नया नाम दिख रहा है पेडलॉट, ये मिल्क चिलिंग प्लांट में यूज होता है, चिलिंग प्लांट में यूज होता है, जो दूध को अपन ठंडा रखते हैं, अमूल है या सांची है, वहां पर इसका उपयोग होता है, एक टैंक टाइप है। तो अपन अभी जो देखेंगे वो इसमें तीन देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला वाला देखेंगे ड्राई एक्सपेंशन, फ्लडेड और बडलट, और इसकी पिक्चर देखेंगे अपन, इंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है। इस तरीके से हम आज की क्लास में डेफिनेशन, फंक्शन, प्रोपर्टीज और एवोपरेटर्स के बारे में जानेंगे। अब हम आते हैं जो वीडियो जिस पर कि हमने डिस्कस किया था, जो मैंने आपको भेजा था, उसी पर अपन आते हैं और देखते हैं कि ये जो एवोपरेटर के टाइप्स हैं उसमें फ्लडेड टाइप का जो है वो किस तरीके का होता है, और
ड्राई एक्सपेंशन किस तरीके का होता है और बडलोट जो लिखा हुआ है वो किस तरीके का होता है उसको बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं ये वीडियो मैंने आपको भेजा भी था क्लास के पहले और उसके पहले भी आप कंडेंसर के साथ में इसको देख चुके हैं। इस वीडियो में शुरुआत कंडेंसर इसको साथ में इसलिए लिया गया था बिकॉज बोथ आर द हीट एक्सचेंजर्स, इसलिए इसको साथ में लिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो आपको पिक्चर दिख रही है अभी स्क्रीन पर, ये पिक्चर जो है वो है आपकी फ्लडेड टैंक। ऊपर देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ है फ्लडेड टाइप में आप देख रहे हैं कि ये फ्लोट वाल्व एक्सपेंशन वाल्व से आया और यहां पर लो साइड में एक फ्लोट लगा हुआ है। अब आप यहां पर देखिएगा कि ये लिक्विड से फिल्ड है तो लिक्विड जो है वो यहां नीचे से आपका रेफरेंट इन हो रहा है आपका एवोपेटर कॉइल में, इसके बाद फिर ये इस तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है और जाते जाते यहां पर भी ये लिक्विड ही है। तो ये हमेशा फ्लडेड, बाढ़ जिसको बोलते हैं, बाढ़ फ्लड आना, इट्स अ बेसिकली टर्म, इट इज ऑलवेज फिल्ड विद द लिक्विड रेफरेंट। लिक्विड रेफरेंट फिल्ड होने के कारण इसकी जो एफिशिएंसी होती है बहुत ज्यादा होती है। मतलब यदि अपन देखें कि एफिशिएंटली ये मतलब कूल करता है और क्वाइल्स लगी है इस पर, हम यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज में लगा के और इस पर यदि हम फैन चला दें तो पूरा कोल्ड स्टोरेज जो है वो हमारा ठंडा हो जाएगा। अब आप देखते हैं कि यहाँ फ्लोट के बाद कुछ लिक्विड तो नीचे जाता है लेकिन जो वेपर होता है वो डायरेक्ट हम यहाँ से कंप्रेसर में जाता है। ये हमारा कहलाता है फ्लडेड टैंक। इस पिक्चर में देखिए आप, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं एक्सपेंशन डिवाइस से और जा कहाँ रहा है कंप्रेसर, तो बीच में हमारा ये जो आ रहा है एवोपरेटर। तो फ्लडेड टैंक एवोपरेटर में मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इसका चित्र बना सकते हैं आप और उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं कि गैस जो है वो यहाँ जा रही है। इसकी खासियत है कि ये जो एवोपरेटर है दैट इज ऑलवेज फिल्ड विद द लिक्विड रेफरेंट, इसलिए हम इसको जो है आप बोल सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी इसलिए ज्यादा होती है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसमें ड्राई एक्सपेंशन टाइप। तो ड्राई एक्सपेंशन टाइप में आप देखेंगे कि लिक्विड की बजाय इसमें जो है जो रेफरेंट होगा वो लिक्विड स्टेज की बजाय वेपर स्टेज में होगा। तो ड्राई एक्सपेंशन टाइप, ये लिखा हुआ ड्राई एक्सपेंशन टाइप सेल एंड ट्यूब, देखिए आप सेल एंड ट्यूब मिलेगा, सेल एंड क्वाइल मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको इतने का उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि बड़े आसानी से आप बता सकते हैं सेल एंड ट्यूब मतलब एक शेल होगी और ट्यूब्स होगा, ट्यूब्स के अंदर पानी जाएगा जो चिल्ड होगा। पानी पहले देखिए कंडेंसर में ठंडे करने के लिए उपयोग में आता था, यहाँ पर वो चिल्ड हो जाता है जो बाद में एयर कंडीशनिंग में यूज में आ सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है सेल एंड ट्यूब, सेल एंड ट्यूब आगे फिगर आने वाला है दिस वन, यस सेल एंड ट्यूब की बात करेंगे हम। इसमें जस्ट लाइक कंडेंसर एक शेल होगा जिसमें रेफरेंट फ्लो होगा और ट्यूब, ट्यूब के अंदर भी वाटर होगा लेकिन पर्पस जस्ट कंडेंसर से रिवर्स हो जाएगा। कंडेंसर में जो होता था उसमें वाटर यूज करते थे उसको और एवोपरेट होगा रेफरेंट और इसके बाद जो होगा उस चिल्ड वाटर को ले जा करके हम एयर कंडीशनिंग या डिफरेंट रेफ्रेशिंग पर्पस के उपयोग में ला सकते हैं। तो इसमें एक ये शेप है, दूसरा आपका हो सकता है शेल एंड क्वाइल, मतलब उसमें जो है आपने देखा एक शेल होगा और इस तरीके से क्वाइल ऑपरेट होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखें सेल एंड ट्यूब, सेल एंड क्वाइल, बट डायरेक्ट एक्सपेंशन मतलब ये देखिए आपका पिक्चर आ गया है। इस पिक्चर में आप यहाँ पर देखेंगे कि ये बेफल्स मतलब कि यहाँ से वाटर इनलेट हो रहा है, वाटर ये अब हमारा यूज में आ रहा है या तो चिल्ड करने के लिए किसी चीज को या एयर कंडीशनिंग के पर्पस के लिए। यहाँ से वाटर यूं यूं होकर के गुजरता जाएगा, ये बेफल्स प्लेट इस तरीके लगी है किस तरीके से वाटर आए जाए और यहाँ से रेफरेंट इन होगा अगर आउट होगा। यह था अपना सेल एंड ट्यूब टाइप। इसके बाद हम देखें सेल एंड क्वाइल, तो उसमें क्वाइल बनी होगी, सेल एंड क्वाइल में हम देखें और इसके बाद में जो मिल्क प्लांट में यूज होता है उस पर बात करेंगे हम। ऑलरेडी सेल एंड क्वाइल बताया गया, ये दिस वन,
चूंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, नेट की स्पीड नहीं मिल पा रही है, इसलिए फिर भी हमको देखना यही दो है, साइलेंट कॉइल और फिर अभी आपको जो दिया जाएगा वो ये। ये जो आपके सामने पिक्चर दिख रही है ये बोडोलाइट टाइप एवोपेटर्स है। इसमें जो मिल्क होता है, मिल्क प्लांट में मिल्क को यहाँ पर लाते हैं और इसको स्प्रे करते हैं। कुछ कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि ये एवोपेटेड टाइप का कंडेंसर, बट इसमें एवोपेटेड टाइप कोई एयर को फ्लो नहीं करते हैं, बल्कि रेफरेंट जो हमारा आ रहा है कहाँ से आ रहा है आपका एक्सपेंशन डिवाइस से लिक्विड है, वो ये ट्यूब्स में पास हो रहा है, इन ट्यूब्स में, इन ट्यूब से पास होकर के रेफरेंट जा रहा है कहाँ, अपने कंप्रेसर में, और यहाँ पर फेस के ऊपर से ये जो मिल्क है ये आपका स्प्रे हो रहा है, जिससे कि नीचे आपको मिल रहा है चिल्ड मिल्क। तो मिल्क चिलिंग प्लांट में ये बडोलाइट टाइप का एवोपेटर्स का उपयोग होता है और चिल्ड मिल्क जो है वो हम यहाँ से बाहर ले लेते हैं। इस तरीके से जो एवोपेटर्स के पोर्शन है वो हमारे सिलेबस में वो या तो फ्लडेड है या ड्राई एक्सपेंशन है या फिर बडोलाइट टाइप का है। बाकी कंस्ट्रक्शन वाइज आप देख ही चुके हैं, तो यहाँ पर बहुत ही एक्सक्लूसिवली नाम में ही थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कोई और इशू नहीं है। तो अब यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, आप लोगों के इसमें संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो अपन उस प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, ठीक है। सो द एंड ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ VCR, हम चारों तरह के बेसिक कंपोनेंट्स की जितने भी टाइप्स होते हैं फंक्शन है डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जाकर के हमारा एक ही जो चैप्टर है वो खत्म होता है। सो थैंक यू ऑल।